नमस्कार दोस्तों, टास ट्रैवल चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। तो आइए चलिए दोस्तों घूमते हैं, और इमामबाड़ा लखनऊ का आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ इमामबाड़ा। ये इमामबाड़े के अंदर बनी हुई मस्जिद है। ये सामने पार्किंग एरिया है, एक पार्क बना हुआ है, आप यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुकून की जगह है। यहाँ पे आने पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों ये सामने भूल भुलैया का गेट है, चलते हैं भूल भुलैया के अंदर। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, और भाई यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी मना है। थोड़ा बहुत हमने बनाया है, वही आपको दिखा रहे हैं। और भाई यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कभी भी लखनऊ बड़े इमामबाड़े को आइए, यहाँ पे आप टिकट लीजिए, तो आपका गाइड हो उससे आप पहले ही बात कर लीजिए कि आप ही हमको घुमाने ले चलेंगे भूल भुलैया के अंदर। मेरे साथ पता है कुछ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ एक गाइड आया, बोला भाई 200 रुपये दो, हम आपको अंदर तक घुमा देंगे। हमने उसे 200 रुपये पेड कर दिए। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया पता है, वो हमें बिठा के चला गया। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, फिर वो आया, दूसरे बंदे को उसने 50 रुपये लिए, तेरा इनको घुमा लाओ। अब वो बोल रहा है 50 नहीं लेंगे, तो नहीं, हमने 200 पेड किए उसको, और वो थर्ड बंदे से बोल रहा है कि 50 रुपये लो, इनको घुमा के लाओ। तो भाई आप कभी भी अगर जाना वहाँ पे, तो जिस गाइड को आप करना उससे बात कर लेना कि आप ही हमको घुमाने ले चलोगे, किसी असली पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम नहीं घुमा जाएंगे। वरना होता क्या है कि ये लोग किसी दूसरे को जो है पैसे 10-50-100 रुपये दे के अंदर भेज देते हैं, वो थोड़ा इधर उधर घुमा के आपको ला के नीचे ही उतार देंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, अच्छी तरह से हम नहीं घूम पाए। चार रास्ते, एक दो, तो दोस्तों जब कभी जाना पहले से ही बात कर लेना। आप पता है हम लोग थोड़ा सा अंदर भूल भुलैया के गए, दूसरे के साथ थोड़ा सा घूमा घामा, फिर बावली गए, वहाँ भी नहीं पता था, वहाँ पर भी गाइड किधर चल रहा था, बोल रहे कि गाइड करो, वहाँ पे तो हमने गाइड करा नहीं, बस थोड़ा सा अंदर गए, ऐसे घूमा हुआ और चले आए। तो इस स्कैम से भाई बच के रहना, और घूमना हो अच्छे से घूमना, किसी अच्छे गाइड को करना। बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं जो सिर्फ आपको लूटते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, आपसे पैसा लेंगे तो आपको जो है घुमाएंगे, आपका नाजायज़ पैसा वो नहीं लेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें लगा लो दीवारों कुछ छोटी सी जानकारी दी थी। काफ़ी दूरी पे जाते हैं, तो आप कभी भी लखनऊ आइए, तो एक घंटा घर के पास पड़ता है, पक्के पुल के पास, आप आराम से आइए, जैसे बोलेंगे सीधे चले आइए, आवाज़ तो मेरे पास आएंगे, जब आप आएंगे अपने काम साथ और इस स्कैम से बच कर रहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, कहीं कहीं पे थोड़ी रोशनी मिलती है मोबाइल वगैरह की, तो वहाँ पे दिखता है। आवाज लगी आपको? हाँ। कहते हैं पड़े बुजुर्ग लोग, किसी की बुराई मत करो दीवारों के बीच, कार रुक के आहिस्ता बोलो। आज से 200 साल के बाद
अंदर हैं, यहाँ पे कई सारे रास्ते हैं। ये जो इंसान पहली बार आता है इसके अंदर कोई भी पर्सन किधर जाना है किधर नहीं, जितना हो सकता है आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे भाई वीडियो बनाना बिल्कुल भी मना है, हमने किसी तरह से थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है। ये यहाँ पे एक है गोल्डन बॉय, ये पार्क के पास हमें मिले थे। दोस्तों चैनल को लाइक करिए, इमाम बाड़ा के सामने और शेयर करिए। बिल्कुल स्टेच्यू में बोल सकते हैं स्टेच्यू बॉय, और गोल्डन कलर बिल्कुल इनका है। ये आदमी